अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने स्वराज के करीब वाके समंदर पर बहरी बेड़ा भी कायम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हुकूमत के करीब के समंदर पर हमारी हुकूमत हो तब हम मजीद मजबूत हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े कायम किए, और इन बहरी बेड़ों के अलावा उन्होंने नकल हमल या बहरी तिजारतों को भी फरोग दिया, और इस तिजारत को फरोग के लिए राजापुर जैसी तिजारती बंदरगाह कायम की और रायगढ़ पर एक खास मंडी भी कायम की। आप जानते हैं कि मंडी वो जगह होती है जहां पर अशिया की खरीद और फरोख्त तो की जाती है। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने मुख्तलिफ देहातों में भी मंडियों को कायम किया, और वीर माता जीजाबाई के हुक्म से उन्होंने पूना के करीब काशान गांव में भी एक मंडी कायम की। इस बात का जिक्र जीजापुर में भी मिलता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज को तिजारत करने का भी हुनर था। ये बात आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों की हदों से आने वाले नमक पर महसूल, यानी कि जिसे हम आम जबान में टैक्स कहते हैं, ज्यादा लिया करते थे, और इसकी बनिस्बत जो स्वराज में नमक तैयार होता था उस नमक पर टैक्स कम था, जिसकी बिना पर कीमतों में फर्क पाया जाता था। यानी स्वराज में तैयार करदा नमक सस्ता और पुर्तगालियों के जरिए लाया गया नमक महंगा होता था। इस बिना पर स्वराज के नमक की कीमत कम होने की बिना पर नमक की तिजारत को फरोग हासिल हुआ और स्वराज को फायदा हुआ। प्यारे बच्चों, स्वराज में तिजारती पेशों और तरक्की के लिए शिवाजी महाराज हमेशा कोशिश रहते थे, और ताजिर और रियाया इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की बदनज़मी ना हो, इसलिए वो हर बात का जायजा खुद लेते थे। प्यारे बच्चों, आपने ये जान लिया कि बहरी तिजारत और दीगर तिजारती मंडियों पर शिवाजी महाराज ने किस तरह अपनी कारकर्दगी का इजहार किया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने हुक्म दे रखा था कि जंग के जमाने में जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी औरतों और बच्चों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया जाए, यानी उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी ना की जाए। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि शिवाजी महाराज खातीन की भी इज्जत और एहतराम करते थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कर्नाटक के करीब बेलवड़ी मुकाम पर एक छोटी सी गढ़ी है। आपको पता है गढ़ी किसे कहते हैं? नहीं, गढ़ी यानी छोटे किले। जैसे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये किले जो है ये बड़े हैं, लेकिन इसकी बनिस्बत जो किले छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं गढ़ी। तो बच्चों, गढ़ी पर लड़ाई के लिए गई हुई थी शिवाजी महाराज की मराठा फौज। ये मराठा फौज जब वहाँ लड़ाई कर रही थी तो गढ़ी की हिफाजत के लिए एक खातून थी जिनका नाम है मल्लम्मा देसाई। क्या नाम है? मल्लम्मा देसाई। इस खातून ने मराठा फौज से बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ाई की, और जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली कि मल्लम्मा देसाई नामी खातून ने अपनी गढ़ी की हिफाजत के लिए बहुत ही जाफिशानी से लड़ाई की है, तब शिवाजी महाराज ने उनकी छोटी बहन, उनको अपनी छोटी बहन माना। क्या माना? अपनी छोटी बहन माना,
और उन्हें उस गढ़ी और गांव यानी कर्नाटक का जो बेलवाड़ी गांव था वो गांव और वो छोटी सी गढ़ी उन्हें वापस कर दी और साथ ही साथ उन्हें सावित्री के खिताब से भी नवाजा। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने सफाई से मुतालिक भी एहतियाती तदाबीर अपनाई है ना। उनके हुक्म के मुताबिक घरों के अतराफ या घरों में होने वाले चूहे, बिच्छू, चींटी और दीगर छोटे मोटे कीड़ों को खत्म करने के लिए घरों के अतराफ में नीलगिरी के दरख्त या नीलगिरी की बाड़ लगाई जाती थी ताकि इसकी वजह से चूहे वगैरह घरों में ना आए। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज के हुक्म के मुताबिक जरासीम को खत्म करने के लिए धुओं का इंतजाम भी किया जाता था यानी पत्तियों को जलाकर, जैसे नीम की पत्तियां, इनको जलाकर जरासीम से पाक हवा भी की जाती थी। प्यारे बच्चों, इसके अलावा शिवाजी महाराज के हुक्म के मुताबिक किलों में निकलने वाले कचरों और मंडियों के अतराफ में निकलने वाले कचरों को इधर उधर ना फेंकते हुए उन्हें जमा करने का हुक्म दिया गया और इनको जमा करने के बाद इन्हें जलाने का भी हुक्म दिया ताकि उससे निकलने वाली राख को बतौर खाद गमलों में लगाए जाने वाले पौधों में इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह शिवाजी महाराज ने सफाई से मुतालिक भी एहतियाती तदाबीर बरतीं।